वेलकम टू लेसन नंबर 3। कल के लेसन में हमने डोमेन और होस्टिंग खरीदा था एंड देन हमने अपने डोमेन का डीएनएस चेंज किया था। कल इतना ही काम किया था हमने। आज के लेसन में मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है? फिर हम देखेंगे वर्डप्रेस में क्या क्या, कैसे इंस्टॉल होता है वर्डप्रेस। सो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार देखने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम डाउन विथ फीवर, तो ये वीडियो उतनी बड़ी नहीं होगी। जस्ट मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और उसमें लॉग इन करके दिखा दूंगा, ठीक है जी? सो आपके पास एक मेल आई होगी, जब भी आप रीसेलर से होस्टिंग लोगे, रीसेलर क्लब से, या आप किसी और से भी होस्टिंग लोगे, इनके आपके पास एक मेल आएगी जिसमें वो उन्होंने बोला होगा कि भैया आपका डोमेन हो गया है और आपके कुछ लॉगिन की डिटेल्स होंगी उसके अंदर, राइट? अगर आपको याद, नेम सर्वर भी यहीं से चेंज किया था और यहीं से हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी? सो चलिए, इसी मेल में आप देखो, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो एक ऑप्शन दिखेगा मैनेजिंग योर वेबसाइट, ठीक है? मैनेजिंग योर वेबसाइट, और यहां पे यू मे एक्सेस योर वेबसाइट यूजिंग सी पैनल थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग यूआरएल। कुछ यूआरएल दिए होंगे और जिसे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट में, अपने सी पैनल में लॉग इन कर सकते हो। अपने सी पैनल में लॉग इन करने के बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि नीचे ही है, आप यहाँ देख सकते हो, योर क्रेडेंशियल्स टू लॉग इन टू सी पैनल आर, तो नीचे आपके यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको ये जो लिंक है, ये जो यूआरएल है सी पैनल का, ये ओपन करना है, देन आपको यूजर नेम डालना है, देन आपको पासवर्ड डालना है। जैसे आप ये दोनों काम करोगे कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी आपके पास, ठीक है? कुछ ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी आपके पास। अब यहाँ क्या करना है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है? बड़े सिंपल तरीके से काम होता है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि करना क्या क्या है। स्टेप नंबर 1, आपको डोमेन खरीदना है। स्टेप नंबर 2, आपको होस्टिंग खरीदना है। स्टेप नंबर 3, जैसे ही आपको होस्टिंग आप खरीदोगे, आपके पास एक सी पैनल और नेम सर्वर की मेल आएगी, ठीक है? आपको वो मेल को देखना है। और स्टेप नंबर 4, आपको अपने डोमेन में लॉग इन करना है, जहां से भी आपने डोमेन खरीदा है, और वहां जाके आपको डीएनएस चेंज करना है। देन स्टेप नंबर 5, वो जो मेल आई है होस्टिंग वाली, वो आपको अगेन खोलना है। उस मेल में सी पैनल का लिंक है, उस लिंक को आपको खोलना है। देन वहां पे आपके यूजर आईडी और पासवर्ड है, वो आपको इनपुट करना है और फिर ये पेज खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक आपको सेक्शन दिखेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है? सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में आपको एक सेक्शन दिखेगा सॉफ्टेक्यूलस एप्स इंस्टॉलर, ठीक है? आपको एक सेक्शन दिखेगा सॉफ्टेक्यूलस एप्स इंस्टॉलर, आपको इसे क्लिक करना है, राइट? जैसे आप इसे क्लिक करोगे, यहां पे काफी सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है? आपको क्या करना है, जो आपको ये वर्डप्रेस दिख रहा है ना, इसे आपको करना है यहां से इंस्टॉल, ठीक है? आप इंस्टॉल करोगे और देखो यहां पे आ रहा है ना, चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल, तो ये मेरी वेबसाइट का नाम अपने आप आ गया, wpcoursedeepak.com। मेक श्योर कि आप ये डायरेक्टरी हटा दो, ये जो इन डायरेक्टरी है ना, ये आपको हटा देनी है, ठीक है? इसे आपको रखना नहीं है। देन आपके पास लिखा हुआ है साइट का नाम और साइट का डिस्क्रिप्शन, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, तो अभी इसे आप एज इट इज छोड़ सकते हो। देन ये आपसे देखो आपको क्या बता रहा है, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड, ठीक है? तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है? आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करना है। मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अपना चेंज कर लेता हूँ। आप भी अपने यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करके उसे आप एक फाइल के अंदर रख लो ताकि वो मिसप्लेस ना हो, ठीक है जी? और ये जो एडमिन ईमेल है, ये भी आपको चेंज करना है, क्योंकि ये ईमेल जो है ये वर्किंग नहीं है मेरा, है ना? तो मैं वर्किंग ईमेल जो है मेरी वो यूज करूंगा, और वर्किंग ईमेल क्या है मेरी, ये वाली। तो इसे कॉपी किया मैंने और
यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं चेंज करूंगा अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर चुका हूं, ठीक है जी। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इसको आपको करना है इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गया। अब आपको देखो यहां पे आ गया वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट, और आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, ठीक है। ये जो आप ऊपर वाला लिंक है, अगर इसे आप ओपन करोगे तो आपकी वेबसाइट आपको दिखेगी। ये देखो, ये आ गई मेरी वेबसाइट wpcoursedebug.com, एकदम परफेक्ट। अब अगर मैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल को ओपन करूंगा तो मैं अपने बैकएंड में आ जाऊंगा, जहां से मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर सकता हूं, ठीक है। यहां से मैं अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकता हूं। देखो मैंने लॉगिन कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है ना, इसको सेव करके रखना है ताकि आप फ्यूचर में लॉगिन कर सको इजीली। प्लस आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है उसको एक जगह स्टोर करके रखना है ताकि आप इजीली एक्सेस कर सको वर्डप्रेस, राइट। अब ये देख सकते हो आप, ये रहा मेरा, ये रही मेरी वेबसाइट, मेरा होम पेज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कस्टमाइज करेंगे, इसमें हम थीम्स डालेंगे, प्लगइन्स डालेंगे, और जैसी भी हम वेबसाइट चाहते हैं बनाना वैसी वेबसाइट हम बनाएंगे, ठीक है। आज के लेसन में जस्ट इतना ही करेंगे हम। जस्ट आज के हमने किया क्या है, आज के लेसन में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 दोनों लेसन दोबारा देख रहे हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। इन केस आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप